हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त वीडियो जहां पर एक तरफ Redmi Note 10 Pro वहीं दूसरी तरफ Realme 7। और आज के इस वीडियो में इन दोनों फोन का डिटेल कंपैरिजन करके देखने वाले हैं। अंत तक देखते हैं इन दोनों फोन में से कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड में गोरिल्ला ग्लास पाइप का प्रोटेक्शन। इसके अलावा इस फोन में आपको मिल जाता है माइक्रोफोन USB टाइप सी, 3.5 mm जैक, आयर ब्लस्टर, जिससे कि इस फोन को आप एज ए रिमोट हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। एंड इस फोन में आपको मिल जाता है डेडिकेटेड ट्रिपल कार्ड स्लॉट, जिससे कि आप इस फोन में दो सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ Realme 7 की बात करें तो इस फोन में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। और बाद बाकी डिजाइन के मामले में ये फोन भी बेटर है, लेकिन Redmi Note 9 Pro और Realme 7 की बात करें तो दोनों ही फोन डिजाइन के मामले में बेटर फोन है। और इस फोन में भी आपको माइक्रोफोन USB टाइप सी, 3.5 mm जैक, ये सभी मौजूद है। और इस फोन में भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है। इस फोन में भी आप डुअल सिम के साथ साथ एक मेमोरी कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD नॉर्मल डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन इस फोन में आपको बिग डिस्प्ले मिल जाता है 6.67 इंच का, इसलिए 4K वीडियो वगैरह भी देखने में मजा आएगा, लेकिन कलर ग्रेडिंग देखने में मजा नहीं आया। कलर वगैरह थोड़ा सा फीका देखने को लगेगा क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। एमोलेड डिस्प्ले में वीडियो देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। और दूसरी तरफ Realme 7 की बात करें तो इस फोन में भी आपको 6.5 इंच का नॉर्मल IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। जी हां दोस्तों, थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले है Redmi Note 9 Pro के मुकाबले में, लेकिन दोनों में ही IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले है। नॉर्मल डिस्प्ले दोनों ही फोन में, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन बिग डिस्प्ले है दोनों फोन में, इसलिए 4K वीडियो वगैरह HD क्वालिटी में देखने में मजा तो आएगा, लेकिन कलर ग्रेडिंग वगैरह जो है थोड़ा सा डाउन देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक और बात दोस्तों, लेकिन ऑडियो क्वालिटी एकदम जबरदस्त है दोनों ही फोन में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन आपको देता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि गेमिंग के लिए एक बेटर प्रोसेसर होता है। और हाँ दोस्तों, Redmi Note 9 Pro गिव्स यू नोटिफिकेशन लाइट। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत कम स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन नोटिफिकेशन लाइट देता है। बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में तो PUBG गेम आप Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में मीडियम सेटिंग में आप बहुत ही अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। हाई सेटिंग में आप खेल सकते हैं, लेकिन कुछ बेटर एक्सपीरियंस नहीं देने वाला है। हाई सेटिंग में कुछ हद तक जाएगा, लेकिन लैग थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन मीडियम सेटिंग के साथ आप PUBG बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हैं विथ 720G ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। और वहीं दूसरी तरफ Realme 7 की बात करें तो ये फोन में आपको Mediateck Helio G95 का एक बेटर प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि गेमिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर होता है, इसमें कोई भी गुंजाइश की बात नहीं है। और इस फोन में आप गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो PUBG इसमें हाई सेटिंग के साथ खेलते हैं, बहुत ही स्मूथली चलता है, मक्खन के जैसे PUBG चलता है, बहुत ही अच्छी तरीके से PUBG खेल सकते हैं हाई सेटिंग के साथ Realme 7 स्मार्टफोन में। और इस फोन में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, और Redmi Note 9 Pro में भी 5.0 का ही ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है, जो कि डेटा ट्रांसफरिंग और भी अदर कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही फास्ट वर्क करता है 5.0 ब्लूटूथ एक्टिविटी। दोस्तों आप बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है 5020 mAh का एक बिग बैटरी विथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। जहां तक कि ये 5000 mAh का एक बड़ा बैटरी है, इसलिए ये फोन को आप कंटिन्यूली 1 से 1.5 दिन यूज कर सकते हैं। चार्जिंग की बात करें तो जहां तक कि 18W का फर्स्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन 5020 mAh का एक बड़ा बैटरी है, इसलिए मिनिमम 2 आवर तो लगेगा ही फुल चार्ज होने में। और वहीं दूसरी तरफ Realme 7 की बैटरी की बात करें तो ये फोन भी आपको 5000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी देता है विथ 30W का फर्स्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और Redmi Note 9 Pro का 5020 mAh का बैटरी और Realme 7 का जो 5000 mAh का बैटरी है, इतना सा भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही छोटा है, लेकिन ये फ़ोन का भी बैटरी 1 से 1.5 दिन कंटिन्यूली चला जाएगा। लेकिन दोस्तों इस फोन में आपको 30W का फर्स्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे कि 65 मिनट्स में ही Realme 7 का फुल चार्ज हो जाता है। दोस्तों Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में सभी सेंसर आपको परफेक्टली देखने को मिल जाता है और परफेक्टली वर्क भी करता है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर
सेंसर जो है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से, पावर अनलॉक बटन जो है वहीं पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और ये लोगों को बहुत ही पसंद आता है आजकल। और दूसरी तरफ Realme 7 की बात करें तो इस फोन में भी आपको सभी सेंसर देखने को मिल जाएगा, सभी सेंसर परफेक्टली वर्क भी करता है और इस फोन में भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा जो कि पावर अनलॉक बटन है वहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इस फोन का भी बैक जो डिजाइन है ये बैक डिजाइन भी बहुत ही अच्छा है, लुक बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग शाइनिंग देता है। और Redmi Note 9 Pro की बात करें तो इसका भी बैक डिजाइनिंग बहुत ही अच्छा है लेकिन इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है और इसमें बैक में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। डिजाइन के मामले में दोनों ही बेटर फोन है लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में Redmi Note 9 Pro ज़्यादा बेटर। दोस्तों अब बढ़िए कैमरे की, तो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में आपको पीछे की तरफ 4-कोर कैमरा सेटअप मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का GM2 सेंसर प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। एंड सेल्फी कैमरे की बात करें तो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ। और दोस्तों Realme 7 स्मार्टफोन की कैमरे की बात करें तो इस फोन में भी आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल सोनी सेंसर प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर। और कहीं ना कहीं Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के मुकाबले में Realme 7 स्मार्टफोन का कैमरा बहुत ही बेटर है क्योंकि इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर मिलता है और Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का GM2 सेंसर मिलता है, तो Realme 7 स्मार्टफोन का कैमरा ज़्यादा बेटर है। दोस्तों दोनों ही फोन्स अपने अपने जगह पर सही है, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए रिजल्ट आपको बता दूं कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। Redmi Note 9 Pro बिल्ड क्वालिटी के मामले में बाजी मार जाता है क्योंकि इस फोन में आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, जहां कि दूसरी तरफ Realme 7 स्मार्टफोन में सिर्फ फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और डिजाइन के मामले में दोनों ही फोन परफेक्ट है, दोनों का ही डिजाइन बहुत ही बेटर है। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले दोनों का ही सेम है, फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी नॉर्मल डिस्प्ले दोनों ही फोन में है और थोड़ा सा इतना सा साइज का डिफरेंस है क्योंकि Redmi Note 9 Pro में 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलता है और Realme 7 स्मार्टफोन में आपको 6.5 का डिफरेंस मिलता है, 6.5 इंच का, तो इतना सा डिफरेंस कुछ डिफरेंस नहीं है, तो दोनों का ही डिस्प्ले सेम टू सेम है। दोस्तों स्पेसिफिकेशंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme 7 स्मार्टफोन यहां पर बाजी मार जाता है क्योंकि इस फोन में आपको Mediateck Helio G95 का एक गेमिंग बैटर प्रोसेसर मिलता है और दूसरी तरफ Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 720G का प्रोसेसर मिलता है, जो दोनों ही प्रोसेसर गेमिंग के लिए अच्छा है लेकिन G95 प्रोसेसर ज्यादा बेटर है गेमिंग के लिए। बैटरी के मामले में Realme 7 स्मार्टफोन बाजी मार जाता है क्योंकि इस फोन में आपको 5000 mAh का एक बिग बैटरी मिलता है और 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और दूसरी तरफ Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में भी 5020 mAh का बैटरी मिलता है और 5020 mAh के ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम बैटरी है लेकिन यहां पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है जो कि 2 घंटे तक लग सकता है फुल चार्ज होने में और दूसरी तरफ Realme 7 स्मार्टफोन में आपको 65 मिनट में ही फुल चार्ज देखने को मिल जाएगा। सेंसर्स के मामले में भी दोनों ही फोन सेम टू सेम है क्योंकि Redmi Note 9 Pro में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और Realme 7 स्मार्टफोन में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक दोनों में ही है, दोनों का ही फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक परफेक्टली वर्क करता है। दोस्तों कैमरे के मामले में भी Realme 7 स्मार्टफोन बाजी मार जाता है क्योंकि यहां पर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर और दूसरी तरफ Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का GM2 सेंसर मिलता है और आप लोगों को सभी को पता है कि 48 मेगापिक्सल से ज्यादा बेटर होता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो दोनों ही फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है और 64 मेगापिक्सल ज्यादा बेटर होता है आप सभी को पता है, इसलिए कैमरे के मामले में Realme 7 स्मार्टफोन बाजी मार जाता है। सो दोस्तों रिजल्ट आप लोगों के सामने में, Realme 7 स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के मुकाबले में ज्यादा बेटर स्मार्टफोन है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैमरा बैटरी इन सभी चीजों में Realme 7 स्मार्टफोन बाजी मार जाता है। हाँ थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी के मामले में लो है लेकिन Realme 7 स्मार्टफोन इट्स बेटर स्मार्टफोन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर आप अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके उसका लाभ उठा पाएं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।